Radhika will be the session number 3rd of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to discuss about thermal power plant and hydro power plant. So guys, the thing is that अभी हम क्या discuss कर रहे हैं, sources of energy का session number 3rd discuss कर रहे हैं, जिसमें हम thermal power plant and hydro power plants के बारे में study करने जा रहे हैं. Thermal power plant clearly thermal that is heat, heat से related होगा, और hydro that is water, water से related होगा. तो ये क्या होते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, कैसे ये वर्क करते हैं, और क्या इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, हम हर एक चीज स्टडी करेंगे अबाउट देम. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद ऑब्वियसली टर्बाइन. जब भी हम किसी भी पावर प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टर्बाइन को समझ लेना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक पावर प्लांट में जो टर्बाइन है वो एक मेन कंपोनेंट होता है. जैसे ही टरबाइन को हम रोटेट करने में कामयाब हो पाते हैं, जैसे ही हम टरबाइन को रोटेट कर पाते हैं, हम सक्सेस हो पाते हैं उसे रोटेट करने में, वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन हो जाता है. क्योंकि हर एक पावर प्लांट में जो टरबाइन है, जब वो रोटेट करता है तभी डायनामो तक जो एनर्जी है वो पहुंचती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन होता है. तो अभी हम स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज टरबाइन. सो दिस इज लिसन टू मी ऑब्वियसली. फर्स्ट यू हैव टू डू वॉट, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अपनी या तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ओपन करके रखना है, या फिर सिंपली जो मैं आपको स्टडी कर रही हूँ आप मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना है. ऑब्वियसली ये जो स्नैप्स हैं वो आपके लिए पॉसिबली शॉर्ट रिटन है, दैट इज आपको जो स्लाइड्स पे है वो आपको शॉर्ट लगे, बट द थिंग इज दैट क्योंकि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, सो आई हैव टू कट देम फ्रॉम द एनसीईआरटी. क्योंकि यदि आप एनसीईआरटी के बेसिस पे इसको समझते हुए चलेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. दैट्स व्हाई ये होल चैप्टर मैंने स्नैप्स के थ्रू स्टडी कराना है. क्लियर? तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं टर्बाइन के बारे में. आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप मेरे को क्लियरली सुनने की कोशिश करिए, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक को साइड में रखिए, आप प्रॉपरली इस चैप्टर को समझ पाएंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद टर्बाइन. दिस इज अ टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. आपको ये दिया हुआ है मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन. आपको ऊपर क्या गिवन है, आपको ऊपर एक टर्बाइन का स्ट्रक्चर गिवन है, आई मीन एक पूरा मेथड गिवन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कर सकते हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कुकर रखा हुआ है, नॉर्मली प्रेशर कुकर है. क्लियर? वहां से स्टीम निकल रही है, हम उसे हीट दे रहे हैं तो स्टीम निकल रही है. हमने स्टीम पाइप को टर्बाइन पे छोड़ा हुआ है. क्लियर? जब हमने स्टीम पाइप को टर्बाइन पे छोड़ा हुआ है तो जो टर्बाइन है वो रोटेट होगा. जब ये टर्बाइन रोटेट होगा तो डायनेमो को एनर्जी मिलेगी और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. ये प्रोसेस फॉलो कैसे होता है, सी द सिंपलेस्ट टर्बाइन्स हैव वन मूविंग पार्ट, अ रोटर ब्लेड असेंबली. कोई भी सिंपलेस्ट टर्बाइन भी होगा उसमें एक मूविंग पार्ट होता है जिसे हम नॉर्मली रोटर ब्लेड असेंबली कहते हैं. क्लियर? द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड्स टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर. क्या होता है, जो भी हमारा मूविंग फ्लूइड है, चाहे वो स्टीम हो, वाटर हो, या कोई भी हो, वो क्या करते हैं, वो उन ब्लेड्स पे एक्ट करते हैं, उन्हें स्पिन कराते हैं, जिसकी वजह से जो रोटर ब्लेड्स हैं उनको एनर्जी मिल जाती है. क्लियर? दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन. हमें क्या चाहिए होता है, हमें उस फैन को मूव करना होता है. क्लियर? द रोटर ब्लेड विद स्पीड विच वुड टर्न द शाफ्ट ऑफ द डायनेमो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको मूव करेंगे तो क्या होगा, जो रोटर से जो डायनेमो कनेक्टेड है, तो इसके मूव करने के साथ साथ जो डायनेमो है उसके शाफ्ट को हम क्या कर पाएंगे, उसको टर्न कर पाएंगे. जैसे ही डायनेमो का शाफ्ट टर्न होगा तो हमने क्या करेंगे, हम मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. The form of energy which has become necessary in the today's scenarios. Obviously, इस time पे जो electrical energy उसकी requirement है ही ना. So the various ways in which this can be done depends upon availability of the sources. इसीलिए ये जो energy production है वो कैसे होगा, ये सब sources के resources के availability पे depend करता है. But the thing is that जो turbine है वो हर एक source में use होता है, हर एक source में use होता है. That is हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी को टर्बाइन को रोटेट करना होता है. जब वो टर्बाइन को रोटेट करेंगे तभी डायनामिक शाफ्ट को वो चेंज कर पाएंगे, टर्न कर पाएंगे, और तभी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो पाएगी. तो समझ में आया आपको टर्बाइन क्या रहता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या रहती है. नाउ टॉकिंग अबाउट थर्मल पावर प्लांट.
A large amount of fossil fuels are burnt every day in power stations to heat up water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity. काफी लार्ज अमाउंट में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है हर एक दिन पावर स्टेशंस में वाटर को हीट करने के लिए। जब वाटर हीट होता है तो स्टीम प्रोडक्शन होगा। जब स्टीम प्रोडक्शन होगा तो स्टीम प्रोडक्शन के थ्रू हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन इन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है वो ज्यादा इफिशियंट होता है देन ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। क्लियर? देयरफॉर मेनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स। इसीलिए जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हमें ऐसे जगह पे हम बनाते हैं जहाँ पे कोल और ऑयल फील्ड्स सेटअप हो या फिर वहां पे ऑलरेडी कोल एंड ऑयल फील्ड्स की अवेलेबिलिटी हो। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज्ड सिंस fuel is burned to produce heat energy which is converted into the electrical energy. हम word thermal power plant क्यों बोलते हैं? वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि fuel को burn किया जाता है heat energy के production के लिए और जो heat energy होती है वो finally जाके electrical energy में convert हो जाती है, इसीलिए हमने इसको thermal power plant कहते हैं। Simply thermal power plant में क्या होता है कि जो water है उसको heat किया जाता है through the fossil fuels। जब उसको हीट किया जाता है तो स्टीम का प्रोडक्शन होता है जो टरबाइन को रन करता है। जब टरबाइन रन होता है तो जो डायनेमो है उसका साफ टर्न होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाती है। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट थर्मल पावर प्लांट। इसके बाद आता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। क्लियर? सो द अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट। जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनमें से जो मेन है वो है हमारी, एक तो जो वाटर फ्लो करता है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है और जब वाटर किसी हाइट पे रहता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है। क्लियर? हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? Since there are very few waterfalls which could be used as source of potential energy, hydropower plants are associated with dams. Simply क्या है कि obviously काफी कम waterfalls हैं जिन्हें हम use कर सकते हैं as a source of potential energy. इसीलिए क्योंकि हम waterfalls के through electricity generate कर नहीं सकते क्योंकि obviously काफी कम waterfalls available हैं, इसीलिए जो hydropower plants हैं उन्हें हमने dams से associate किया हुआ है। Clear? In the last century, a large number of dams were built all over the world. Last centuries में क्या हुआ? काफी सारे dams को world में बनाया गया और जो जो dams हैं उन्हीं के through हम hydropower plants का वहाँ पे ही हम built up करते हैं हम hydropower plant को। Clear? That a quarter of our energy required in India is met by hydropower plants. लगभग जो क्वार्टर ऑफ एनर्जी हमारे इंडिया में अवेलेबल है या चाहिए होती है वो हमें हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू ही मिलती है। क्लियर? अभी आप देख सकते हो ये है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का एक सिस्टमेटिक व्यू। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर बाय कलेक्ट वाटर इन लार्ज रिजर्वर्स। क्या होता है, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए जो हाई राइज डैम्स हैं उन्हें रिवर्स पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसे वो ऑब्स्ट्रक्ट कर पाए और वो वाटर को कलेक्ट कर पाए हाई रिजर्वर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर हमारा कलेक्ट किया हुआ है। द वाटर लेवल राइजेस एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गैस ट्रांसफॉर्म इन टू द पोटेंशियल एनर्जी। अब जो वाटर की लेवल है वो राइज होती चली जाती है और क्या होता है, जो वाटर की जो ऑब्वियसली फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरीड थ्रू द पाइप टू द टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ डैम। ऑब्वियसली क्या होता है, पाइप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो वाटर है ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो रिजर्वर में वाटर कलेक्टेड है उसे हम कुछ ट्यूब्स के पाइप्स के थ्रू टर्बाइन तक लाते हैं। क्लियर? जब हम टर्बाइन तक लेके आएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके फ्लो की वजह से जो टर्बाइन है वो रोटेट करेगा। क्लियर?
जब टरबाइन रोटेट करेगा तो क्या होगा, जो जनरेटर उसके ऊपर लगा हुआ है वो उसके शाफ्ट को टर्न करेगा और क्या होगा, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर? दैट सिंस द वाटर इन रिजर्वॉयर वुड बी रिफिल्ड ईच टाइम इट रेन्स, वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स गेटिंग यूज अप द वे फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट फिनिश्ड वन डे। क्योंकि क्या होता है, अभी हम वाटर साइकिल के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है, जो भी वाटर हमारा जाता है वो अगेन रिटर्न होके आ जाता है रेन की फॉर्म में। तो क्या होता है, हमें ये कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती ना कि फॉसिल फ्यूल्स की तरह जो वाटर है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। वाटर तो हमारा अगेन साइकिल के थ्रू रोटेट होके आता ही रहेगा। दैट इज, एक बार रेन होगी अगेन से इतना ही वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो जो वाटर है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा फॉसिल फ्यूल्स के लिए, इसीलिए जो हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करते हैं वो एक बेटर वे है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी गेन करने की। क्लियर? The thing is that, but the construction of big dams have certain problems associated with it. लेकिन जो हम big dams की construction करते हैं, वो भी कुछ problems रखते हैं उनके साथ। The dams can be constructed only in limited number of places, preferably in hilly terrains. जो dams हैं, उन्हें normally हम कुछ limited places पे ही बना सकते हैं। Normally वहाँ पे जहाँ पे hilly terrains हो। Also, large areas of agricultural land and human habitation are to be sacrificed as they get submerged. Simply, जो agricultural land है, human habitation है, उनके large area को अपना sacrification देना पड़ता है जब भी dams का construction होता है. Large ecosystems are destroyed, or we can say large ecosystem are destroyed when submerged under the water in dams. Simply, काफी ज़्यादा ecosystem भी destroy हो जाता है जो dam के अंदर water होता है उसके अंदर वो submerged हो जाते हैं. The vegetation which is submerged rot under anaerobic conditions and give rise to large amount of methane which is also a greenhouse gas. जो भी vegetation रहता है, जो जब भी dams का construction होता है तो जो vegetation है वो भी submerged हो जाते हैं, जिसकी वजह से anaerobic conditions में जो भी हमारे vegetation है वो gases को formation करते हैं, methane gas का large amount में production करते हैं, जो कि एक greenhouse अफेक्ट ग्रीन हाउस गैस होती है एंड इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। और उसके साथ साथ डैम्स के प्रोडक्शन की वजह से जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, जो भी पीपल जो जिन्हें हमने डिस्प्लेस कर दिया है, जिन्हें हमने वहाँ एरिया से हटा दिया है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। अपोजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेहरी डैम एंड ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रिवर गंगा पे जो टेहरी डैम था उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अपोजिशन किया गया था, और ऐसे ही जो रिवर नर्मदा थी वहाँ पे भी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अलोंग उसके लिए अपोजिशन क्रिएट किया गया था। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये डैम्स की वजह से काफी सारे इकोसिस्टम को हार्म होता है। अब बात आते हैं लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कुछ एडवांटेजेस भी क्या होते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस क्या है, इट डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकती। द मूविंग वाटर नीडेड फॉर द पर्पज इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मूविंग वाटर चाहिए होता है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है हमें, जबकि फॉसिल फ्यूल्स को गेन करने के लिए हमें अपनी कॉस्ट भी लगानी पड़ती है, बट जो वाटर है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। क्लियर? वाटर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। वाटर का है क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। ईच टाइम व्हेन इट रेन्स रिजर्वॉयर ऑफ डैम्स गेट्स फिल्ड। जब भी रेन होती है जो डैम्स हैं उनके जो रिजर्वॉयर्स हैं वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स हैव बीन कंट्रोलिंग फ्लड एंड ऑल्सो इन इरिगेशन। जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन होती है रिवर्स पे वो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होती है, और अलॉन्ग विद दैट वो इरिगेशन के लिए भी यूज होती है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, जो मैंने अभी आपको स्टडी कराई थे, दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में लीड इकोलॉजिकल डैमेज। जो डैम्स है उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोलॉजिकल डैमेज क्रिएट करती है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स गेट सबमर्ज्ड इन वाटर। काफी नंबर में प्लांट्स एनिमल्स और उनके जो हैबिटेट्स हैं वो वाटर में सबमर्ज्ड हो जाते हैं। ऑल्सो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री नीड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल।
जितने भी हमारे डिस्प्लेस पीपल है जिनको वहां से हमने डिस्प्लेस कर दिया था, उनकी जो नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं हो पाती, वहां पे भी उन्हें सेटिस्फेक्ट्री प्रॉब्लम्स रहती है, दैट इज वो भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। जो ऑब्वियसली अभी जो पीपल वहां पे रह रहे हैं उनको हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो उनकी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल होने में टाइम लगता है। द ब्लॉकिंग और चेंजिंग द कोर्स ऑफ रिवर अफेक्ट्स फिश एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ द रिवर। जो रिवर है उसको ब्लॉक करना या उसके जो कोर्स है उसको चेंज करना, उसके वेज को चेंज करना, ये क्या करता है, जो रिवर के अंदर फिशेज हैं और अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ स्टाइल को भी अफेक्ट करता है। सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ देयर्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन द हाइड्रो पावर प्लांट। मैंने अभी स्टडी कराया आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, so you have to answer that what energy transformation occur in a hydro power plant and your time to start now 1 2 3 4 5 time's up, so have you answered this in your mind? Let's check out. Actually in hydro power plant potential energy possessed by stored water is converted into electrical energy. जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वाटर के थ्रू प्रोसेस की जाती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर दैट इन हाइड्रो पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर टू यू? तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आई रिपीट that in hydro power plant potential energy possessed by stored water is converted into the electrical energy. So what did we learn today? आज हमने क्या study किया? आज हमने turbine के बारे में study किया, along with that हमने thermal power plant and hydro power plant के बारे में भी discuss किया. I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.